वेलकम बैक टू फिल्म बाजी। दिस वन प्रूव टू बी अ कमबैक सीजन। ऐश्वर्या राय बच्चन और काजोल के बाद अब एक और दीवा है कमबैक करने को तैयार। लेट्स फाइंड आउट हु इज शी। मेरे पास कुछ 5 स्क्रिप्टें आई हैं, जिसमें से मैंने 3 पढ़ी, मुझे बहुत खराब लगी और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बाकी 2 से आशाएं हैं कि मुझे अच्छी लगे। लगता है बाकी की स्क्रिप्ट का भी यही हाल होने वाला है। अब शिल्पा अगर कमबैक करेंगी बॉलीवुड में तो किसी ऐसी वैसी फिल्म से तो करेंगी नहीं, तो बॉलीवुड में बैंग के साथ कमबैक का तरीका शिल्पा ने खुद ही निकाल लिया है। और वो तरीका क्या है, सबसे पहले इसका नजारा दिखाते हैं आपको। वैसे सीजन तो आजकल कमबैक का भी है, जैसे कि काजोल कर रही है कमबैक विद रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले से। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। रिसेंटली ऐश्वर्या ने किया कमबैक विद जज्बा। तुझे जरा भी अंदाजा नहीं एक माँ पर क्या गुजरती है। तेरा केस भी एक माँ लड़ रही है, वकील नहीं, समझा? ऐसे में शिल्पा शेट्टी पीछे कैसे रह जाती। अब ऐश्वर्या की फिल्म का जो भी हाल रहा, लेकिन एटलीस्ट उन्हें पब्लिसिटी तो मिल गई और साथ ही करण जौहर की फिल्म भी। ऑन द अदर हैंड काजोल को भी मिल रहा है दिलवाले के साथ खूब प्रमोशन। ऐसे में शिल्पा हैज बिकम चूजी, लेकिन इसका रीजन वो कुछ और ही देती है। मेरे पास कुछ 5 स्क्रिप्टें आई हैं, जिसमें से मैंने 3 पढ़ी, मुझे बहुत खराब लगी और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बाकी 2 से आशाएं हैं कि मुझे अच्छी लगे। तो या इट हैज टू बी वर्थ वाइल ऑल्सो व्हेन आई लीव द हाउस एंड व्हेन आई एम गोइंग आउट टू वर्क लीविंग माय बेबी। सो आई डेफिनेटली वांट टू मेक, आई रियली वांट टू मेक अ मूवी वेरी सून। लेट्स होप देयर इज समबडी आउट देयर हु गिव्स मी अ रोल और गेट्स मी अ रोल दैट्स एंटाइसिंग इनफ। अब असल रीजन जो भी हो, लेकिन इस वीडियो के साथ शिल्पा ने ये तो साबित कर ही दिया है कि अगर मौका मिले तो आज भी अपने डांस मूव्स और सेक्सी अदाओं के साथ कईयों को पीछे छोड़ सकती हैं। शिल्पा इज कॉन्फिडेंट अबाउट हर कम बैक, बट जरीन खान सीम्स टू बी अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हर न्यू लुक, क्योंकि अब तो कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करने में भी नखरे दिखा रही है ये मेम साहब। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। जब से जरीन खान ने अपना ये नया स्लिम एंड ट्रिम हॉट एंड सेक्सी अवतार दिखाया है, सबकी जुबान पर है सिर्फ उनका ही नाम। एंड नॉट ओनली द सॉन्ग, शी इवन सिजल्ड सेवरल मैगजीन्स कवर्स दिस ईयर विद हर हॉट न्यू अवतार। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। And since then, everybody has started taking this diva seriously. And the Bollywood industry now seems to believe that even this diva can be something more, as Zareen is making buzz all around. लेकिन लगता है कि Zareen अपने इस नए अवतार को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हैं, because she don't even accept compliments anymore. जी हाँ, when the media complimented her on being noticed after this new avatar, तो Zareen madam ने बड़े ही attitude के साथ दिया उसका जवाब, and she said कि वो पहले भी थी इतनी ही अच्छी। Looking best of the shapes है ना, इन दिनों बहुत मतलब काफी खुश हैं अपने आप से, अपने आप को मिरर में। मैं हमेशा ही अपने आप को मिरर में देख के बहुत खुश रहती हूँ मैं। I don't understand what you mean by अभी देख के खुश है, तो मैं अपने आप से हमेशा ही बहुत खुश हूँ। देख लिया आपने कैसे चढ़ गए हैं जरीन खान के भाव। अब भला इनको कौन समझाए कि इतना हवा में उड़ना भी अच्छा नहीं है, वरना मुंह के बल जमीन पर गिरना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इनके लुक्स की चर्चा है बीच टाउन में, इनके काम की नहीं। हमारा मतलब पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट हर न्यू लुक, बट स्टिल नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हर एक्टिंग स्किल। और ऊपर से जरीन डिडंट इवन हैव अ सोलो हिट ऑन हर एंड शी हैज नॉट गिवन अ सिंगल अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस।
अब हम तो जरीन मैडम को यही कहेंगे कि जरा जमीन पर आ जाइए मेम साहब एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एक्टिंग स्किल, क्योंकि लॉन्ग रन में वही आपके काम आएगी, वरना आपके इस नए अवतार को भूलने में इंडस्ट्री ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। सो बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एक्टिंग स्किल जस्ट लाइक यू वर्कड ऑन योर लुक्स। On the other hand, director Anurag Basu seems to be out of his senses क्योंकि बॉलीवुड के दबंग खान से पंगा लेने चले हैं ये जनाब, as he called सलमान खान a boring actor. लगता है ये रणबीर कपूर के बुरे वक्त का ही असर है जिसने कर दिया है डायरेक्टर अनुराग बसु का दिमाग खराब, क्योंकि अब खुद ही अपने करियर का भरता बनाने चले हैं ये जनाब। जी हाँ, अनुराग बसु मारने चले हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड के दबंग सलमान के बारे में बात ही कुछ ऐसी है कह डाली। Yes, you heard that right. Anurag Basu talked trash about Salman Khan as he called him a boring actor. दरअसल एक इंटरव्यू में अपनी जग्गा जासूस के लीडिंग स्टार रणबीर को हाईलाइट करने के चक्कर में अनुराग ने उनका कंपैरिजन सलमान के साथ कर डाला, और तो और रणबीर कपूर के आगे सलमान को बोरिंग बता डाला। I am glad there is an actor like Ranbir who is taking the risk. There are not many actors who would do it. He is not like Salman who is doing same thing film after film. He is boring. How can you do that? At least he is experimenting with his craft. He is pushing the envelope and he is taking the risk. अब भला क्या कहा जाए अनुराग को, क्योंकि न केवल इन्होंने खुद सल्लू मियां से दुश्मनी मोल ले ली है ये बात बोलकर, बल्कि इनकी इसी बात ने तो रणबीर और सल्लू मियां के डिफरेंसेस की आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि एक तो वैसे ही रणबीर सल्लू मियां से बचकर भागते रहते हैं एंड ही इवन मिस द प्रमोशन ऑफ हिज फिल्म तमाशा एट सलमान टीवी शो एंड दैट टू व्हेन तमाशा इज द ओनली फिल्म दैट कैन revive his career at this point. और उसके बारे में कुछ ऐसा बोलते नजर आए थे रणबीर कपूर। Reality shows is a very large medium to promote a film, Ranveer. But we have not seen you on Bigg Boss. What is the reason behind that, Ranveer? That's my personal reasons. The team thought that Deepika going and the marketing team thought that that would be fruitful. So she went yesterday and promoted that. वेल, रणबीर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सलमान खान को अवॉइड करने की, बट इट सीम्स किसी ना किसी तरह से उनका सामना सलमान से हो ही जाएगा, एंड दिस टाइम कर्टसी गोज टू हिज डायरेक्टर अनुराग बसु। अब कोई भला अनुराग को समझाए कि दबंग खान के बारे में ऐसी बातें बोलने से पहले कम से कम 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप सल्लू मियां की हिट लिस्ट में आ गए तो क्या हाल होता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर हम आपसे रोज मिलते रहेंगे इसी चैनल पर इसी समय। एंड इन द मीन टाइम डू कीप वेटिंग फॉर वन मोर मसालेदार धमाकेदार न्यू एपिसोड ऑफ फिल्मबाजी। टिल देन दिस इज नीजू सेइंग बाय बाय। मस्ती के खजाने लेके चाहत के तराने लेके करने बेहद धूम धड़ाके कुछ फिल्मी अफसाने लेके